आजकल के समय में किसी भी पुरुष या महिला में टेढ़े मेढ़े दांतों की परेशानी होना आम बात है। कई बार बचपन में टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, लेकिन जवान होते ही ये परेशानी दूर हो जाती है। कई बार ये परेशानी ताउम्र भी रहती है। ऐसे में टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए डेंटल ब्रशेस बेहद ही महत्वपूर्ण चीज है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो डेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी डेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल करती हैं तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सही से उसकी सफाई या फिर देखभाल नहीं किया जाता है तो ये तार कई बार मुश्किलें भी पैदा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप आसानी से डेंटल ब्रशेस की सफाई और रख रखाव पर ध्यान दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं, डेंटल ब्रशेस की सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पेस्ट लिया और दांत साफ करते टाइम उसे भी पेस्ट से रगड़कर साफ कर लिया। इसके लिए आपको बेकिंग सोडा और 1 से 2 चम्मच नींबू के रस को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना होता है। मिश्रण तैयार करने के बाद पेस्ट की तरह ब्रशेस को रगड़कर साफ कर लीजिए। हालांकि कुछ ब्रशेस दांत से नहीं निकल सकते हैं, इसके लिए आपको नींबू और नमक का मिश्रण तैयार करके ब्रश करना होता है। जी हाँ, दांतों की सफाई से लेकर ब्रशेस की सफाई के लिए माउथ वॉश सबसे बेस्ट तरीका है। डेंटल ब्रशेस लगाने के बाद दांतों को अच्छे से सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप दिन से 2 से 3 बार किसी माउथ वॉश लिक्विड का इस्तेमाल कर सकती हैं तो ब्रशेस की सफाई भी हो जाती है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। बाजार में आजकल ब्रशेस के लिए अलग अलग तरह के कई माउथ वॉश लिक्विड आसानी से मिल जाते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत बाद माउथ वॉश लिक्विड से दांतों की सफाई करें या फिर किसी फ्लोराइड टूथपेस्ट और मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश से दांतों की सफाई करें। नियमित समय पर डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। च्युइंग गम, कैंडी, कैरेमल खाने से भी परहेज करें। कई बार डेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल करने के बाद दांत कमजोर भी हो जाते हैं, ऐसे में इसका ध्यान जरूर रखें।